जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा और बोल में दो मुद्दे आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। पहला मुद्दा, अब से जो डॉक्टर्स पर हमला करेगा उसे 7 साल तक की सजा मिल सकती है। और दूसरा, खाड़ी देशों में इस वक्त जो एक नया सिरदर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ये कहा जाए भारत के लिए उभर कर आ रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ कट्टर भक्तों ने कुछ मुस्लिम विरोधी और वहां पर भारत को शर्मिंदा करने वाले बयानात दिए हैं, ट्वीट्स किए हैं, जिसके चलते वहां पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है और उसका असर हमारे कूटनीतिक हलकों में हो रहा है। हमारे जो एम्बेसडर्स हैं जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हैं या कतर में हैं, ओमान में हैं, उन्हें प्रतिक्रियाएं देनी पड़ रही है। खुद प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी थी, उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे उस अहम अध्यादेश से जो मोदी सरकार लाई है उन लोगों के लिए जो डॉक्टर्स पर हमला करेंगे। ये तस्वीर याद है आपको इंदौर की, जब डॉक्टर जकिया सईद और डॉक्टर तृप्ति गई थी इंदौर की इस गली में और तब भीड़ उन पर हमला कर देती है। किसी तरह से दोनों औरतें अपनी जान बचाकर आई थीं। बाद में पता चला कि इस गली में कम से कम दर्जन भर ऐसे लोग थे जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए, यह तस्वीर मुरादाबाद की है। खून से लथपथ एक डॉक्टर, किसी तरह से इसने अपनी जान बचाई। ये लोग गए थे एक परिवार को लेने, उठाने वहां से, क्योंकि उनके परिवार के एक सदस्य की मौत कोरोना वायरस से हो गई थी। अब जाहिर सी बात है, जब एक सदस्य की मौत कोरोना वायरस से हुई है तो बाकी सदस्यों को भी अस्पताल ले जाया गया था, मगर उनके जो आसपास के लोगों ने डॉक्टर्स पर हमला कर दिया। आप मुझे बताइए ना, आखिर सख्त कानून क्यों ना लाए जाएं? और ऐसा नहीं कि सख्त कानून नहीं है, कम से कम 20 ऐसे भारत के राज्य हैं जहां आप डॉक्टर्स पर अगर हमला करते हैं तो उसको लेकर सख्त कानून पहले से ही मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर क्या कहा ट्वीट करके, क्योंकि मैं लगातार अपने कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जब भी संबोधन दे रहे थे, पहले उन्होंने याद है थाली ताली बजाने की बात कही, उसके बाद दिवाली मनाने की बात कही, उस दौरान मैं लगातार प्रधानमंत्री से कहता रहा था कि प्रधानमंत्री आपसे मेरी अपील है कि डॉक्टर्स पर जिस तरह से हमला हो रहा है कृपया एक अपील कीजिए। अब प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं सुनिए। द एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 मैनिफेस्ट्स आवर कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी हेल्थ केयर वर्कर हु इज ब्रेवली बैटलिंग COVID-19 ऑन द फ्रंट लाइन। इट विल इंश्योर सेफ्टी ऑफ आवर प्रोफेशनल्स। There can be no compromise on their safety. बहुत खूबसूरत बात कही प्रधानमंत्री की, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। मगर मैं आपको मिलवाना चाहूंगा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाली इस हेल्थ वर्कर से। इसका नाम रूपल है। जानते हैं क्या बता रही है? ये बता रही है कि वो लगातार कोरोना वायरस से जो पीड़ित लोग थे उनके बीच काम करती रही, उसकी तबीयत बिगड़ती रही। उसने लगातार ये बताया कि मैं शायद कोरोना वायरस पॉजिटिव हूं, और जब वो पता चला कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो उसके साथ बदतमीजी की गई। क्या कह रहे ये रूपल, उसकी रुदाली सुनिए, उसकी दर्द भरी आवाज सुनिए। थोड़ी बार रही बात करूं, रड़ी रहा, ઇવન પોઝિટિવ કેસ છેલ્લા 2 કલાકથી આવ્યો છે, કોઈ ડીવાય જો કોઈનો બી ફોન નથી કે હાલ રૂપલબેન તમે ક્યાં છો, શું કરો છો। આપકો યાદ હોગા અહેમદાબાદ કે એક ઓર અસ્પતાલ મેં વહાં કે સફાઈ કર્મી જો હૈ વો હડતાલ પર ચલે ગયે થે। જાનતે હૈ ક્યું? ક્યુંકિ ઉન્હેં પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ યાની કી ग्लव्स, मास्क, ये तमाम चीजें मुहैया नहीं कराई गई थी। वो कह रहे थे कि हम कैसे कोरोना वायरस से जो पीड़ित मरीजों की सेवा करें अगर हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की है प्रधानमंत्री आपने और सरकार ने कि आप डॉक्टर्स पर जो लगातार हमले हो रहे हैं
उसको लेकर आप कानून लेकर आए हैं, मगर उससे भी बहुत जरूरी बात है कि आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर, जो देश भर से डॉक्टर्स की आवाज आती रही है, कृपया उस पर ठोस कदम उठाएं। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले रोहतक मेडिकल कॉलेज से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, तमाम जगहों से इस तरह की दलीलें, इस तरह की अपील की गई कि हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, मगर उन सब की आवाजों को दफन कर दिया गया। पहले एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि यह सब झूठ है, और उसके बाद उनको इस कदर डराया गया कि वो खामोश हो गए। मैं आपको बता रहा हूं हो क्या रहा है। होता क्या है कि ये जो डॉक्टर्स हैं उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं होते, मास्क और ग्लव्स नहीं होते, और जब मरीज उनके पास पहुंचता है, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज उनके पास पहुंचता है, तो वो उन मरीजों के साथ डील नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्हीं के पास सुरक्षा नहीं है तो वो उनका क्या इलाज करेंगे, और जब उनका वो इलाज नहीं करते तो मरीज नाराज हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, मरीज नाराज है मगर क्या सरकार अपनी भूमिका से बच सकती है? दो सूरतें हैं, एक तो इंदौर और मुरादाबाद वाली, जहां डॉक्टर्स जा रहे हैं उनके साथ आप बदतमीजी कर रहे हो। आप कैसे कम अक्ल लोग हो भाई, कैसे ना समझ लोगों कि आप इस तरह की बदतमीजी करते हो। मगर दूसरी तरफ जो लोग अस्पतालों में हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए आप किस तरह का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मुहैया करा रही है सरकार, बताइए ना। सरकार की जवाबदेही इस मुद्दे पर कहां है? सरकार को पूरी तरह से इस मुद्दे से बच जाती है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर मीडिया भी सवाल नहीं उठाती। और जो आप विदेशों से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के किट्स मंगाते हैं, उसको लेकर भी गड़बड़ झाला हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइव मिंट की खबर है, पढ़ के सुनाना चाहूंगा, गौर कीजिएगा इस पर। टेस्ट किट्स फॉर द डिटेक्शन एंड सर्वेलेंस ऑफ कोविड 19 केसेस इन इंडिया that have apparently been found faulty had been procured by the ICMR from China from Chinese vendors approved by Chinese authorities, a senior government official said on Tuesday. The comment comes as the ICMR on Tuesday advised states not to use the testing kits for the next 2 days, saying it will issue an advisory after medical teams carry out field validation of the kits. Do cheeze hain yahan par. पहले ICMR चाइना से ये किट्स हासिल करती है, बाद में ICMR ही राज्यों से कहती है कि साहब इन किट्स का इस्तेमाल मत कीजिए, इनमें गड़बड़ है। तो मैं आपसे यही तो जानना चाहता हूं, एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, तो क्या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस तरह के ढीले अधूरे काम करती है? और मैं यही तो बोल रहा हूं ना, इनकी जवाबदेही कहां है भाई? हर बार मैं देख रहा हूं सरकार जनता पर थोप देती है। जनता जब गलती करती है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तबलीगी जमात के जो लोग कोरोना वायरस फैलाते हैं, उन्हें आप कटघरे में रखिए, मगर जो गृह मंत्रालय उस मरकज को अनुमति देती है या देता है, उसे भी कटघरे में रखिए। अगर हमारे डॉक्टर्स ये लगातार अपील कर रहे हैं कि प्लीज हमारे पास पर्याप्त पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, तो उनकी भी आवाज सुनिए। सरकार को बचने का रास्ता मत दीजिए, सरकार के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मीडिया तो आप जानते हो क्या दिखा रहा है। अब भी पालघर के नाम पर देश में सांप्रदायिक माहौल घोलने की कोशिश की जा रही है, अब भी न्यूज चैनल्स के जरिए समुदाय विशेष के सोशल बॉयकॉट की जमीन तैयार की जा रही है, और कई जगह पर जो हो भी रहा है। मगर आप सवाल उठाइए कि हमारे डॉक्टर्स के पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्यों नहीं है? एक बहुत ही अजीबोगरीब हालात हैं। हम ये जंग लड़ रहे हैं मगर हमारी प्राथमिकताएं कुछ अजीबोगरीब दिखाई दे रही हैं। हमें अपनी प्राथमिकताओं पर जोर देना होगा, क्योंकि देखिए यह मत सोचिए कि मामला जो है देश के अंदर निपट जाएगा। अब जो मैं दूसरे मुद्दे की आपसे बात करने जा रहा हूं ना, देश की बदनामी विदेशों में हो रही है। जी हां, मध्य पूर्व के देशों में एक जबरदस्त प्रतिक्रिया आई है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट जो कुछ दिनों पहले किया था, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कोरोना संकट के सामने हम एक साथ लड़ाई लड़ेंगे,
और जब ये महामारी या बीमारी आप पर हमला करती है ना, तो आपका आपके धर्म, आपकी जाति, आपका रंग, आपकी भाषा नहीं देखती। प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जो मिडल ईस्ट के देश हैं, गल्फ के देश हैं, वहां पर कुछ भारतीय कुछ जहरीली बातें कर रहे थे और उसको लेकर वहां के हुक्मरानों में जबरदस्त नाराजगी थी। उन्होंने क्या कहा मैं नहीं बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे जो राजदूत वहां पर पोस्टेड हैं, उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। मसलन आपके स्क्रीन पर एम्बेसडर पवन कपूर, जो कि हमारे एम्बेसडर हैं यूएई में, वो क्या कह रहे हैं। इंडिया एंड यूएई शेयर द वैल्यू ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स। डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट आवर मॉरल फैब्रिक एंड द रूल ऑफ लॉ। इंडियन नेशनल्स इन द यूएई शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। वो नसीहत दे रहे हैं यूएई में भारतीय जो भसे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि पक्षपात मत कीजिए, कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ भारतीय जो कुछ जो कट्टर समर्थक हैं, भक्त हैं, वो लोग जहरीले बयान दे रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। ये भी बता रहे थे कि ये जो देश चल रहे हैं खाड़ी के, ये हमारे रहमो करम से चल रहे हैं। नतीजा वहां पर एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। यूएई के आपने एम्बेसडर को सुन लिया, अब देखिए ओमान में जो हमारी एम्बेसी है उसने क्या बयान जारी किया है। द फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ओमान आर अंडरपिन्ड बाय आवर शेयर्ड वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड प्लुरलिज्म। लेट अस ऑल कमिट टू मेंटेनिंग यूनिटी एंड सोशल हार्मनी एट दिस क्रिटिकल जंक्चर। सब एका बनाए रखें देश जब ऐसे हालात का सामना कर रहा है। हुआ क्या है? न सिर्फ कुछ लोगों के बयान जिससे मध्य पूर्व में, गल्फ में लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, बल्कि हमारे कुछ जाने पहचाने लोग उनके पुराने बयानात वो सामने उभर कर आए हैं। मसलन गौर कीजिए, तेजस्वी सूर्या ने कहा, क्या कहा था आपके स्क्रीन्स पर। तेजस्वी सूर्या ने आज से कई सालों पहले यह बात कही थी तारिक फतेह का हवाला देते हुए, और उन्होंने आगे ये भी कहा था कि मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। इन्होंने क्या कहा था तेजस्वी सूर्या ने कि मध्य पूर्व में, अरब देशों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो प्यार का परिणाम नहीं होते, वो सिर्फ सेक्स का परिणाम होते हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में या अरब देशों में किसी भी महिला को ऑर्गेज्म नहीं होता। इसको लेकर वहां जबरदस्त नाराजगी थी। लोगों ने यह भी कहा प्रधानमंत्री आप अपने इस मिनिस्टर पर एक्शन लीजिए। उसके बाद क्या होता है, सोनू निगम का ये बयान, ये उन्होंने बयान दिया था आज से बहुत पहले, और क्या कहा था, गॉड ब्लेस एवरीवन, मैं एक मुसलमान नहीं हूं मगर मुझे अजान के जरिए क्यों उठाया जाता है, यह जबरदस्ती का धर्म थोपना भारत में आखिर कब बंद होगा। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मोहम्मद ने जब इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी, तो मुझे इस कोलाहल का, इस शोर का सामना क्यों करना पड़ रहा है एडिसन के बाद। क्या ये इस्लाम विरोधी है? मुद्दा वो नहीं है। देखिए अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं अजान की वजह से सो नहीं पा रहा हूं, हो सकता है भाई नहीं सो पा रहे हो, मैं उस पर पढ़ना ही नहीं चाहूंगा कि इस्लाम विरोधी है कि नहीं। मगर आप जानते हैं इस वक्त सोनू निगम दुबई में, अजीब और गरीब इत्तेफाक है, दुबई में, और अब उनके पुराने ट्वीट्स डिस्कवर किए जा रहे हैं। अगर सोनू निगम को लगता ना कि ये संदेश जो है वो इस्लाम विरोधी नहीं है, मुझे नहीं लगता, मेरे पास कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि इस्लाम विरोधी है भी या नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर मेरे घर के साथ में कोई मंदिर है या मस्जिद है और उसकी वजह से मेरे घर में शोर हो रहा है तो जाहिर सी बात है मैं कैसे सोऊंगा। मगर नतीजा क्या हुआ कि सोनू निगम ने क्या किया कि अपने ट्विटर अकाउंट को ही डिलीट कर दिया, क्योंकि वो इस वक्त कहां है, वो इस वक्त मौजूद हैं दुबई में, और दुबई में बैठकर आज वो ये भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। कैसे आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो नमस्कार, दिस इज सोनू हियर, सोनू निगम, किल आम अंतुम बखैर। माय फ्रेंड्स, we are going through tumultuous times. Never in our wildest dreams did we ever imagine we'll be seeing such times. Coronavirus. I'm right now in Dubai. My family is based in Dubai, so I'm connected to Dubai and I feel for Dubai, and that's why I thought it is my duty to reach out to the people of United Arab Emirates.
सोनू निगम इस तरह की बातें 2014 से पहले नहीं किया करते थे। मुझे आपत्ति इस बात पर है दोस्तों, 2014 से पहले इस सरकार की कट्टर विचारधारा में खुद को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, खुद को स्वीकार्य बनाने के लिए मैंने कभी भी सोनू निगम के मुंह से इस तरह की बातें नहीं सुनी। आज यह सबक है ऐसे लोगों का कि जो बात आप अपने घर के अंदर बोल सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए क्या वो सड़क पर भी उतर के आप कह सकते हैं, क्या आप अगली गली में भी उतर के आप ये बात कह सकते हैं, क्या अगले शहर में भी आप उतर के बात कह सकते हैं, क्या अगले राज्य में भी उतर के बात कह सकते हैं, क्या आप वही बात किसी और देश में भी जाकर कह सकते हैं सोनू निगम साहब? जी हां, आपको दुबई जाकर यह बात समझ आ गई कि मैं ये बातें दूसरे देशों में नहीं कह सकता, तो ऐसी बातें करनी ही क्यों? या तो अगर आपको लगता है कि आपने सही कहा है, मैंने आपको कसूरवार नहीं ठहराया आपके इस बयान के लिए, अगर आपको लगता है कि आपने सही कहा है, तो आपने अपना ट्विटर अकाउंट क्यों डिलीट किया बताइए। तो मैं जो आपको लगातार कह रहा हूं कि खाड़ी में इस वक्त लाखों भारतीय काम करते हैं, एक सर्वे के मुताबिक शायद 1 करोड़ से भी ज्यादा, हो सकता है ये आंकड़ा बहुत कम हो। आप सोचिए जब इस तरह का जहर बीजेपी आईटी सेल फैलाएगी, तो हमारे उन भारतीयों को जिनमें कई हिंदू भी हैं, जो बसे हुए हैं कतर में, ओमान में, यूएई में, सऊदी अरब में, उनके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी बताइए ना। वहां तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, वहां तो कोई सुनवाई भी नहीं है। आप सोचिए जब आप इस तरह की जहरीली बातें करते हैं, मैंने कुछ 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले बीजेपी आईटी सेल के कुछ लोग, वो लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने लोकेशन को जानबूझकर कुवैत या कोई मिडल ईस्ट कंट्री कर दिया। उसका मकसद ये था कि हम जानबूझकर अपने अकाउंट से जहरीली बातें करें मुसलमानों के बारे में, और फिर हमारी वहां शिकायत हो और वहां बेवजह का असमंजस फैले। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके इस रवैये की वजह से हमारे भारतीय जो वहां बसे हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। और मैं ये बता दूं, जिन लोगों ने वो जहरीली बातें की थी, एक प्रीति है, एक सौरभ है, ये सब तो हिंदू है ना, इनसे जुड़े फैमिलीज हैं, इनसे जुड़े एम्प्लॉयज हैं। आपकी बेवकूफी की वजह से इनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। जाते जाते मैं आपको एम्बेसडर है ना, उनका ये वीडियो संदेश सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने भारतीयों के लिए दिया है। दिलचस्प बात यह है कि वो भारतीयों को ये संदेश दे रहे हैं कि अफवाहों में विश्वास ना करें और पैनिक यानी कि अफरा तफरी ना फैलाएं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में, तो नीचे में पैनिक का जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, वो आतंक कर दिया गया है। आप जानते हैं पैनिक और आतंक में बहुत बड़ा फर्क है। आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करता हूं मैं। आई वंस अगेन अर्ज ऑल द इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स स्टेइंग हियर टू रिमेन सेफ एंड हेल्दी एंड डू नॉट स्प्रेड पैनिक, डू नॉट वेंचर आउट, स्टे पुट वेयर यू आर, स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ COVID-19। तो पैनिक और आतंक में बहुत बड़ा फर्क है। तो इस ट्रांसलेशन के मुताबिक एम्बेसडर भारतीयों को कह रहे हैं कि आतंक ना फैलाएं। बेशक उन्होंने वो बात ना कही हो, मगर जो संदेश है वो वाकई बहुत सटीक है, बहुत सार्थक है। मेरी भी आपसे अपील, खासकर बीजेपी आईटी सेल की से, कि कृपया आतंक ना फैलाएं, क्योंकि जब आप ऐसी बातें करते हैं तो मेरे भारतीय, मेरे भाई बहन जो वहां बसे हुए हैं, उनके लिए मुश्किलें पेश आती हैं। अपनी सियासत से ऊपर उठिए, फॉर गॉड सेक। बोल के रब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। नमस्कार।